दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में सड़क पर लेटे इस शख्स को आपने कई तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में देखा होगा, लेकिन ये यहाँ सड़क पर क्या कर रहा है और इसके आसपास इतनी भीड़ क्यों जमा है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? जी नहीं दोस्तों, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है। दरअसल सड़क पर बैठा ये शख्स और कोई नहीं बल्कि तेलुगु सुपरस्टार पर अब पॉलिटिशियन पवन कल्याण है। और ये वीडियो क्लिप 14 सितंबर 2023 की है, जब वो आंध्र प्रदेश के टीडीपी सुप्रीमो और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से मिलने जेल गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चंद्रबाबू नायडू से मिलने नहीं दिया था, जिसके बाद वो सड़क पर ही बैठ गए थे। हालांकि इसके बावजूद भी पवन कल्याण को पुलिस ने चंद्रबाबू नायडू से मिलने नहीं दिया, लेकिन 14 सितंबर के दिन पवन कल्याण के सपोर्ट में जमा हुई इस भीड़ ने ये साबित कर दिया था कि पवन कल्याण अब एक एक्टर से पॉलिटिशियन बन चुके हैं और साथ ही जनता उनकी पार्टी जनसेना के साथ खड़ी है। और इस बात का प्रूफ इस साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन और आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन में भी देखने को मिला है, जब पवन कल्याण की पार्टी जनसेना टीडीपी के सपोर्ट में आंध्र प्रदेश इलेक्शन में खड़ी हुई, तो इस इलेक्शन में इनकी पार्टी ने ना सिर्फ आंध्र प्रदेश में जीत हासिल की बल्कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी। इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू के लेके गए पवन कल्याण के रोड शो ने चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा इलेक्शन का किंग मेकर भी बना दिया और आंध्र प्रदेश में टीडीपी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी बनी। दोस्तों, यहाँ इससे भी ज्यादा हैरान की बात यह हुई कि आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में पवन कल्याण की पार्टी 21 सीट पर चुनाव लड़ी और 100% की स्ट्राइक रेट के साथ 21 में से 21 सीट जीतने में कामयाब हो गई। साथ ही दो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाली जनसेना पार्टी ने दोनों सीटें अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पवन कल्याण हमेशा से ही पॉलिटिक्स के सुपरस्टार थे। 2019 में उन्होंने आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में अपने दम पर 140 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस बार उन्हें बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था और उनकी पार्टी 140 में से सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पवन कल्याण की इसी पॉलिटिकल जर्नी की बात करेंगे, जिसने न केवल आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में अर्थ को एक ला कर रख दिया है, बल्कि अर्थ को एक इतना बड़ा है कि इसके झटके दिल्ली तक महसूस किए जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको मिलेगी इस वीडियो से काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स, जर्नी ऑफ एन एक्टर टू बिकम अ पॉलिटिशियन। दोस्तों, 2 सितंबर 1968 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर बापटला में पवन कल्याण का जन्म हुआ। उनके पिता एक साधारण पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन उनका यह साधारण जीवन तब बदला जब उनके बड़े भाई चिरंजीवी ने फिल्म जगत में कदम रखा और वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए, जिसका फायदा आगे चलकर पवन कल्याण को भी मिला। पवन कल्याण ने 1996 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत अपने भाई चिरंजीवी की मदद से की थी। तेलुगु इंडस्ट्री में आते ही पवन कल्याण लोगों के बीच एक पॉपुलर चेहरा बन गए और काफी कम समय में ही तेलुगु भाषा के मेगा स्टार्स में उनकी गिनती होने लगी। दोस्तों, उनकी इस पॉपुलैरिटी के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में करीब 10 ब्लॉकबस्टर्स फिल्में दी थी और दूसरा उनके द्वारा किए गए फिलेंथ्रोपिक वर्क। दरअसल दोस्तों, फिल्मों से उनकी जो भी अर्निंग होती थी उसका मेजर पोर्शन वो डोनेट कर दिया करते थे, इसीलिए वो एक एक्टर के अलावा समाज सुधारक के तौर पर भी लोगों के बीच फेमस होने लगे। पवन कल्याण खुद भी यही मानते हैं कि फिल्म करने से ज्यादा उन्हें लोगों की मदद करना पसंद है, और उनकी इसी मोटिवेशन और पॉपुलैरिटी ने उन्हें पॉलिटिक्स की तरफ खींचा और आखिरकार 2008 में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रख दिया। और दोस्तों, यहाँ भी पवन कल्याण के पॉलिटिकल करियर को शुरू करने में उनके भाई चिरंजीवी का ही हाथ था। ऐसा इसलिए क्योंकि पवन कल्याण ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी से ही की थी, जहां वे पार्टी के यूथ विंग के लीडर बने थे। यहीं से पवन ने पॉलिटिक्स में अपना सब कुछ झोंकना शुरू कर दिया। प्रजा राज्यम पार्टी के यूथ विंग का चेहरा बनने के अलावा वो जी जान से इस पार्टी को आगे बढ़ाने और अपने भाई के प्रमोशन में लग गए, और चाहे वो रैलियों में जाना हो या पार्टी के मोटो को जन जन तक पहुंचाना हो, कल्याण ने किसी भी काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि इसके बावजूद इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा, क्योंकि चिरंजीवी पॉलिटिक्स को 3 साल भी नहीं झेल पाए। फरवरी 2011 में चिरंजीवी ने अपनी पार्टी को कांग्रेस से मर्ज कर दिया और उन्होंने खुद पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, जिसके बाद सभी को ऐसा लग रहा था कि चिरंजीवी के साथ पवन कल्याण के भी पॉलिटिकल करियर का अंत वहीं हो गया था, लेकिन शायद पवन कल्याण पॉलिटिक्स के लिए ही बने थे। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के बजाय अपनी भाई की पार्टी को छोड़ दिया और करीब 3 साल बाद 2014 के इलेक्शन से पहले उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया जनसेना पार्टी। पवन ने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को सेंटर में रखते हुए एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है इस्म, और यहीं से शुरू हुई पवन कल्याण की असली पॉलिटिकल जर्नी। यहाँ आपको बता दें कि पवन कल्याण चे गुबेरा से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्होंने अपनी पार्टी की नींव भी लेफ्ट की आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द रखी थी। अगर आप उनके फ्लैग को भी देखें तो उसमें भी आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, जो कि कम्युनिज्म के फ्लैग से मिलता जुलता है। और दोस्तों, जैसे ही उनकी पार्टी वजूद में आई, उन्हें सबसे पहले
पवन कल्याण दी एक्टर की फैन फॉलोइंग का साथ मिला। यूथ तेजी से उनकी पार्टी से जुड़ने लगा, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग से ज्यादा उनके पॉलिटिकल आइडियाज ने आंध्र प्रदेश में उन्हें फेमस किया दोस्तों, क्योंकि पवन ने पार्टी के साथ ही उसकी कोर वैल्यूज को भी जनता तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने कास्ट पर जोर दिया। उन्होंने हर बार यही कहा, वी डोंट कंसिडर कास्ट, वी डोंट बिलीव इन इट, यानी कि कास्ट को लेकर पवन कल्याण की सोच ने लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। एक तरफ जहां पवन जात पात की राजनीति से बाहर निकलने की बात कर रहे थे, तो वहीं आंध्र की पॉलिटिक्स का डिफाइनिंग फैक्टर ही कास्ट थी, जिसे बिना समझे हम पवन कल्याण के मैजिकल पॉलिटिकल करियर को समझ ही नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आंध्र की कास्ट पॉलिटिक्स पर, कास्ट पॉलिटिक्स इन आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ बैकवर्ड कास्ट पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, जो पॉपुलेशन का 37% हिस्सा है। इसके बाद आती है फॉरवर्ड कास्ट, जिसकी हिस्सेदारी 33% है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेजोरिटी में होने के बावजूद बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स डोमिनेट नहीं कर पाती, क्योंकि ये बैकवर्ड कास्ट फर्दर 12 कम्युनिटीज में डिवाइडेड है, और ये सब आपस में एक दूसरे के लोगों से अलग सोचते हैं, जिसकी वजह से इनमें यूनिटी की कमी है। और ऐसे में पॉलिटिक्स की असली चाबी आंध्र प्रदेश के जनरल कास्ट के पास आ जाती है, जिसमें सबसे बड़ी कास्ट है कापू, जो आंध्र की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कास्ट भी है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 15% के करीब है। और इसके बाद आती है रेड्डी, जिनकी पॉपुलेशन 7% है, और फिर आते हैं कम्मा, जिनकी पॉपुलेशन 6% है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में हमेशा से रेड्डी और कम्मा कम्युनिटीज का ही राज चलता है, और बहुत ही कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी दोनों कम्युनिटीज के ही लोग सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं, जबकि कापू कम्युनिटी जनरल कास्ट की सबसे बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद भी कभी आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन पाई है। रेड्डी कम्युनिटी की बात करें, YSRCP पार्टी और जगन मोहन रेड्डी इस कम्युनिटी का सबसे पॉपुलर फेस है, और इसी कम्युनिटी ने आंध्र को सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर दिए हैं। वहीं अगर हम बात करें कम्मा कम्युनिटी की, पार्टी आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी, जिसके सबसे बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू हैं, वो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस कम्युनिटी ने भी आंध्र प्रदेश की सत्ता काफी समय तक संभाली है। लेकिन अगर बात करें कापू कम्युनिटी की, तो कापू कम्युनिटी कभी भी आंध्र प्रदेश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आ पाई है, और ये कापू कम्युनिटी और कम्मा कम्युनिटी शुरू से ही दुश्मन है। साथ ही रेड्डीज के साथ भी इनके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं, और इसीलिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस कम्युनिटी को काफी इग्नोर किया है। इसी कापू कम्युनिटी यानी सबसे बड़ी कास्ट पॉपुलेशन की आवाज को उठाने के लिए चिरंजीवी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा था, क्योंकि वो कापू कम्युनिटी से ही आते हैं। उनके पॉलिटिक्स में आने पर ऐसा लगा कि अब कापू कास्ट भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेगी, लेकिन चिरंजीवी ऐसा कर नहीं पाए, जिसके बाद जिम्मेदारी उठाई पवन कल्याण ने, जिनकी पार्टी अब कापू कम्युनिटी की सबसे बड़ी पार्टी है। पवन कल्याण के 2011 के संघर्ष को देखते हुए कापू कम्युनिटी ना चाहते हुए भी पवन के साथ जुड़ने लगी, और यही पवन कल्याण के पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी पावर भी बनी। हालांकि कापू कम्युनिटी जहां खुद को पवन के साथ देख रही थी, वहीं पवन शुरू से ही कास्ट के इस मकड़ जाल से निकलने की बात कर रहे थे। वो कास्ट को छोड़कर विकास पर ध्यान देने पर जोर दे रहे थे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से पवन को शुरुआती पॉलिटिकल करियर में काफी सारे पॉलिटिकल शॉक्स भी लगे। हालांकि इसके बावजूद पवन हारे नहीं, और इन्हीं सब शॉक्स ने उन्हें आगे चलकर एक बेहतरीन लीडर बनाया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, आइए अब वो समझते हैं, हाउ अर्ली पॉलिटिकल फेलियर्स मेड हिम स्ट्रॉन्गर। दोस्तों साल 2014 में जनसेना पार्टी के बनने के साथ ही पवन कल्याण ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि 2014 के स्टेट असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शंस में जनसेना पार्टी TDP और BJP यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस बनाएगी। हालांकि ना तो पवन कल्याण और ना ही उनकी पार्टी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी, इसीलिए इस इलेक्शन के रिजल्ट का पवन के पॉलिटिक्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन उनके लिए पॉजिटिव बात यह रही कि उनके सपोर्ट वाली तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सत्ता में आ गई। दोस्तों पवन कल्याण उन नेताओं में से नहीं है जो अपनी शर्तों और जनता के लिए किए गए वादों को इलेक्शन के बाद भूल जाएं, और इसका प्रमाण उन्होंने 2014 के इलेक्शन के बाद भी दिया। उन्होंने 2014 में BJP की सरकार में आने पर मोदी सरकार से आंध्र के लिए कुछ मांगे रखी, हालांकि मोदी सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद पवन ने सरकार को काफी क्रिटिसाइज भी किया, और इसके लिए उन्हें आंध्र के लोगों का भी काफी सपोर्ट मिला। पवन जनता के बीच बतौर नेता अपने प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक्स के चलते फेमस हो गए, और पवन ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में आने वाले उद्यानम एरिया में फैल रही किडनी की एक रहस्यमय बीमारी के लिए लगातार आवाज उठाई, और 2018 में वो इस डिजीज पर रिसर्च और उसके इलाज को लेकर उसी TDP सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसे वो सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उद्यानम किडनी डिजीज क्राइसिस मीडिया और पॉलिटिशियंस के अटेंशन में आया। पवन के इस प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश पर काफी दबाव पड़ा,
जिसके बाद आंध्रा गवर्नमेंट को वहां डायलिसिस सेंटर्स बनवाने पड़े और इसके साथ ही उस गांव में कई और स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ी। और बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उद्यानम नेफ्रोपैथी सबसे कम समझी गई नेफ्रोपैथी है और इसके बारे में लोगों में सबसे कम अवेयरनेस है और ये बीमारी कैसे शुरू हुई इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को प्राइवेट किए जाने के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे मजदूरों का पवन कल्याण ने सपोर्ट भी किया और साथ ही इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर भी लिखे। उन्होंने सूखा पीड़ित इलाकों में आत्महत्या करने वाले किसानों के लिए कई मार्च निकाले और साथ ही पवन ने जंगलों में चल रही इलीगल माइनिंग को भी एक्सपोज किया। और इसी तरह 2014 में भले ही उन्होंने बीजेपी और टीडीपी का सपोर्ट किया हो, लेकिन वो अपने भाषणों और अपने आंदोलनों में सत्ता के खिलाफ खुलकर बोलते रहे और वो जनता के रखवाले के तौर पर पॉपुलर होते रहे। लेकिन इस पॉपुलैरिटी में अब भी वो बात नहीं थी जिससे पवन कल्याण पॉलिटिक्स में वोट को जीत में बदल पाए। और दोस्तों, इसी का सबसे बड़ा प्रमाण साल 2019 के इलेक्शन में देखने को मिला और इस बार वो बिना किसी गठबंधन के आंध्र प्रदेश के विधानसभा में चुनावी मैदान में उतरे। जनसेना का 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो भी जनता की समस्याओं के इर्द गिर्द ही था और उनके मैनिफेस्टो में फार्म लेबरर्स, विमेन, यूथ और स्टूडेंट्स के लिए योजनाएं थी। जनसेना ने ये इलेक्शन 140 कंस्टिट्यूएंसी से लड़ा, लेकिन इतने सपोर्ट के बाद भी पार्टी सिर्फ राजौल की एक ही सीट पर जीत पाई और यहां तक कि पवन कल्याण भी अपनी दो सीट से चुनाव हार गए और इसके साथ ही स्टेट में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की सत्ता भी चली गई। लेकिन इसके बावजूद पवन का हौसला कम नहीं हुआ और वो लगातार अपने स्टाइल की पॉलिटिक्स करते रहे और जनता के बीच काम करते रहे। उसी साल 3 नवंबर 2019 को पवन ने एक मार्च निकाला जो विशाखापट्टनम से निकला ताकि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का सपोर्ट कर सके। बता दें कि आंध्र प्रदेश में रेत की सप्लाई में दिक्कत हो रही थी जिस वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ रहा था और इसीलिए उन्होंने तब की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की गवर्नेंस के खिलाफ मार्च निकाला था। अब तक पवन को ये बात समझ आ गई थी कि अगर उन्हें पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनानी है तो फिलहाल उन्हें अलायंस की मदद लेनी होगी और इसीलिए साल 2020 में उन्होंने फिर से तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी से एक बार फिर हाथ मिलाया। इसी बीच 12 फरवरी 2020 को पवन ने सुगाली प्रीति को जस्टिस दिलाने के लिए एक और रैली निकाली और बता दें कि ये मामला कुरनूल में एक 15 साल की लड़की के रेप और मर्डर का था जिसके लिए कल्याण ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की और अब तक पवन कल्याण का नाम आंध्र प्रदेश के बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ अपने कामों की वजह से ही छा चुका था। 16 जनवरी 2022 को पवन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब जनसेना अलायंस में चुनाव लड़ेगी और इसीलिए 2024 का इलेक्शन पवन कल्याण के पॉलिटिकल करियर का डू और डाई इलेक्शन हो गया था। राइज ऑफ पवन कल्याण इन अ डू और डाई इलेक्शन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पवन कल्याण जब पहली बार तेलुगु देशम पार्टी यानी कम्मा कम्युनिटी वाली पार्टी के साथ 2014 में आए थे तब उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था और इसीलिए आंध्रा की कास्ट पॉलिटिक्स में उन्हें उस समय लोगों ने इग्नोर कर दिया था। लेकिन इस बार पवन कल्याण ने जब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ हाथ मिलाया तो सत्ता में बैठी जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने इसका खूब मजाक उड़ाया क्योंकि रेड्डी की पार्टी को ये विश्वास था कि पवन कल्याण के कापू वोटर्स और टीडीपी के कम्मा वोटर्स कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे और अभी यही समस्या कल्याण के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई क्योंकि वो पहले खुद ही कह चुके थे कि वो हर कास्ट के लोगों का सम्मान करते हैं। ऐसे में 2022 के बाद कापू वर्सेस कम्मा की लड़ाई आंध्र प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। हुआ यूं कि कापू कम्युनिटी के जो पुराने यानी बुजुर्ग वोटर्स या कार्यकर्ता थे वो अभी भी इस गठबंधन को जाति के लिहाज से सही नहीं मान रहे थे, लेकिन वहीं पवन अपने भाषणों और ग्राउंड पर अपने कामों की वजह से युवाओं के बीच बड़ी पसंद बन गए थे क्योंकि 2019 के बाद उन्होंने एक के बाद एक ऐसे काम किए जिससे उनकी छवि युवाओं में एक जननेता की हो गई थी। साथ ही उनके सीधे और सटीक भाषणों में पॉलिटिकल स्वार्थ की कमी भी थी जिस वजह से युवा उनसे जुड़ते गए और खासकर कापू युवाओं को ये लगा कि पवन ही उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए कापू कम्युनिटी की यूथ पॉपुलेशन ने न सिर्फ पवन के कहने पर वोट दिया बल्कि उनके इलेक्शन कैंपेन में कम्मा के साथ अपनी दुश्मनी भुलाकर चुनाव लड़ने में मदद की और उसी का जादू रहा कि पवन कल्याण की पार्टी विधानसभा की जिन 21 सीट्स और लोकसभा की जिन 2 सीट्स पर खड़ी हुई उन सारी सीटों पर उसने जीत का परचम लहराया और फाइनली पवन कल्याण को खुद की पीथापुरम सीट से जीत हासिल हुई। कंक्लूजन। दोस्तों, आज इसलिए पवन कल्याण साउथ इंडिया के नए पॉलिटिकल सुपरस्टार बन गए हैं क्योंकि उन्होंने 2 कम्युनिटीज के झगड़े को खत्म करते हुए इलेक्शन लड़ा और 100% की स्ट्राइक रेट से जीत हासिल की जो आम तौर से देखने को नहीं मिलता है क्योंकि जहां अधिकतर नेता हमेशा 2 कम्युनिटीज के बीच झगड़ा करवा कर अपनी जगह बनवाते हैं वहीं पवन कल्याण ने सभी कम्युनिटीज को एक करके जनता और सत्ता में अपनी जगह बनाई है। और दोस्तों, ये इसी का रिजल्ट है कि लोकसभा 2024 के इलेक्शंस की रैलियों में पीएम मोदी पवन कल्याण की तारीफ करते नहीं थके
और इसी जीत ने ना सिर्फ चंद्रबाबू नायडू को नेशनल पॉलिटिक्स में किंग मेकर बना दिया, बल्कि खुद पवन कल्याण ने 12 जून 2024 को उन्हीं एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई, जिनसे 9 महीने पहले तक पुलिस उन्हें मिलने तक नहीं दे रही थी। इसी दिन पवन ने आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी शपथ ली और 16 जून 2024 को उन्हें स्टेट का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उसने पूरी कहानी अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का स्क्रीन प्ले लगती है। बस फर्क इतना है कि यह फिल्म पूरी तरीके से रियलिटी है। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसके अलावा अगर आप किसी और पॉलिटिकल लीडर की स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में उस लीडर का नाम जरूर बताइए। हम आपके लिए उस लीडर के ऊपर भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।